नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों। धनबाद में चुनावी गतिविधियां काफी चरम पर हैं। प्रशासन की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दिख रही है। आप इस वीडियो को टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी गहमा गहमी का माहौल। बाद में चल रहा है नामांकन का दौर और देखिए किस तरह पार्टी के समर्थक नाच रहे हैं, प्रतिक्रिया गा रहे हैं और साथ मना रहे हैं। काफी धूमधाम चुनाव का माहौल, नामांकन चल रहा है। आइए सुनते हैं प्रत्याशियों के बोल। मुख्य मुद्दा जो है ना, मतलब क्या बोलेंगे, जनता का भलाई जो है ना मुख्य मुद्दा है। और मुख्य मुद्दा मतलब क्या कहेंगे, युवा बेरोजगार होते जा रहा है और जो है ना शिक्षा का स्तर जो है ना नीचे गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर जो है ना नीचे गिरता जा रहा है ना। भुखमरी का जो है ना मतलब ये बना आलम छाया हुआ पूरे झारखंड में। और रघुवर दास कहता 65 पार। हम लोग तो कहते हैं कि अब झारखंड की जनता यह तय कर लिया है कि उसे माना झारखंड से तड़ी पार कर देगा। इसलिए कमर कस करके जनता मतलब खड़ी है, मतलब 2019 में उसको सबक सिखाएगी। इतना अहंकार ठीक नहीं, गुरूर ठीक नहीं। आज जनता किस माना बदहाली में जी रही है, जीने के लिए मजबूर किया है। करप्शन ज़्यादा बढ़ा है राज्य में और कहता है कि विकास का गंगा बहा है। मैं पूछता हूँ उनसे कि कहाँ विकास का गंगा बहा है, थोड़ा दिखा दीजिए। जो भी फैक्ट्रियाँ मतलब मन चालू हालत में था, इनके रीजन में जो है ना बंद हुआ और फिर जो है ना मैंने देखिए ये सिंधी जैसा प्रतिष्ठान को फिर दोबारा जो है ना प्राइवेटाइज करके और उसको फिर हर कंपनी के थ्रू से जो है ना शुरुआत किया जा रहा है। देखिए लहर नहीं है, लहर क्या मैंने जनता जो है ना मतलब ये करती है, लहर वहर कुछ नहीं होता है। जनता ने जो है ना मतलब ये तय कर लिया है कि अब जो है ना झारखंड से रघुवर सरकार को जो है ना उखाड़ फेंकने का जो है ना ये निर्णय और मन बना चुका है। सिंधरी में और पूरे झारखंड में परिवर्तन होगा। आपका परिचय? राम प्रसाद सिंह, सिधनी विधानसभा प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी। समस्या आपके ये में खोल दे लो। विश्वास और प्यार मोहब्बत उसको देखते हुए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो समस्या आज बघमारा में है, जिस तरह झेल रहा है, आज जो भी प्रतिनिधि पहले बने जनप्रतिनिधि चुन के गए विधानसभा में, तो कभी गरीबों का आवाज़ नहीं पड़ा और गरीबों को सिर्फ ठगने का काम, तो उसके आवाज में हमको चुनाव में आना पड़ा। और यहाँ का समस्या को दूर करने के लिए यदि जनता हमको मौका देगी, यहाँ के नौजवानों मेरा साथ देगा और इस बार चुनाव में हमको जीत मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बदलाव होगी और परिवर्तन होगा। और जिस तरह आज स्थापित है गुंडा राज स्थापित है बघमारा में, उसका खात्मा नौजवान ही कर सकता है, एक धरती पुत्र ही कर सकता है। एक मजदूर का बेटा हम है और मजदूर का दुख दर्द हम जानते हैं, अच्छी तरह से भली बात जानते हैं कि मजदूर का क्या दुख दर्द होता है। तो आज देखिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो भी जनप्रतिनिधि बना, आज अरबों रुपया कहाँ से मिलता है, इसका तो जनता जवाब मांग रही है ना। इस बार बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। गरीबों का शोषण करते हैं लेकिन उसी का तो जवाब देने के लिए हम चुनाव में हैं। और जनता भली बात ही जानती है कि जवाब कौन दे सकता है, यहाँ का नौजवान ही कोई धरती पुत्र ही दे सकता है। मैं आपको बता देता हूँ निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगी। जनता मूल पर 10 साल यहाँ के विधायक मिलेगा और इस बार आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आप